झांसी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में नगर निगम हर वार्ड में अलाव की व्यवस्था करने का दावा कर रहा है, जिसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए बीसी न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक किया। और इस दौरान झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 45 में लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झांसी में जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, पारा 9 डिग्री से भी कम लुढ़क जा रहा है, ओस की बारिश हो रही है, ऐसे में रात में नगर निगम की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इनको जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर आ पहुंचे हैं। अलाव की व्यवस्था को जब हम देखते हुए झांसी के वार्ड नंबर 45 में पहुंचे तो यहां कुछ लोग हमें अलाव के पास दिख गए, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि नगर निगम की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अलाव की उनके पास। जी, अलाव की ये स्थिति है, अभी सिर्फ रात्रि के 9 बजे हैं। आपको क्या लगता है कि पूरी रात ये अलाव जलने की स्थिति में है? एक घंटा ही जलेगी, नहीं बस आधा घंटा, क्योंकि ये 2-3 लकड़ी पहले जाती तो बस 8-9 बजे तक जलती, क्या जलेंगी ये देख रहे हैं सामने 2 लकड़ी डली। तो लगभग नगर निगम कितनी लकड़ियां रोज डालता है? क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं, किस वार्ड में? मेरा नाम नरेंद्र श्रीवास है, 45 नंबर वार्ड में रहता हूँ। और यहाँ कुल 5 किलो लकड़ी आती है जो कि जलती है, 8-8:30 बजे खत्म हो जाती है, 9 बजे बस बहुत से बहुत खत्म हो जाती है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। आदमी जो बैठते हैं गरीब गाय वगैरह लाते, तो आपने अपनी घर से 2-3 लकड़ी पकड़ी देती है, खरीद के लाते हैं तो खुद डालते हैं इसमें, अन्यथा आप सोचोगे कि नगर पालिका से कोई सपोर्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। शहर के बीचों बीच में ये वार्ड स्थित है, हम आपको बता दें। और यहाँ पर जी नाम क्या है आपका? लगभग प्रजापति। विजय जी, लगभग आपके वार्ड में कितनी जगह अलाव की व्यवस्था लगती है आपको, की जाती है? मतलब हमारे वार्ड से बिल्कुल बाहर में आके रोड पे सिर्फ एक ही अलाव लगता है, अंदर गली में अंदर कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब पूरे वार्ड में सिर्फ एक ही जगह अलाव, बस एक ही अलाव बस। तो ऐसे में क्या आप पार्षद तक अपनी बात पहुंचाते हैं या नगर निगम तक अपनी बात पहुंचाते हैं? नाम क्या है आपका? संतोष कुशवाहा। तो संतोष जी, आप अपनी बात पहुंचाते हैं पार्षद तक या नगर निगम तक? हाँ बिल्कुल पहुंचाएं। तो क्या लगता है कि ये निवारण होने जा रहा है आपकी समस्या का? अभी तो कुछ समस्या समझ में नहीं आ रही सर्दियों तक, क्योंकि लकड़ियां 2-4-5 डाल के वो लोग चले जाते, बस सिर्फ फोटो खिंचवाई उसकी और लेके चले जाते, और लकड़ियां भी ऐसी गीली है जो उसको जलाने में समझ लो 2-4 घंटे लग जाती है। पार्षद जी आते हैं? पार्षद जी वगैरह कोई नहीं आता यहाँ, ना उस वार्ड के आते हैं, 42 के भी नहीं आते, ना 45 के, कोई नहीं आता यहाँ देखने। ये है हकीकत अलाव की, जहाँ झांसी में इस टाइम प्रचंड ठंड पड़ रही है। आप देख सकते हैं ये 9 बजे का दृश्य है, जहाँ मात्र कुछ चुनिंदा लकड़ियां पड़ी हुई है और लोग यहाँ ताप रहे हैं। उनका कहना है कि ये मात्र एक घंटे के लिए अलाव यहाँ जलता है। अब देखते हैं इस कड़ाके की ठंड में ये लोग किसके भरोसे रहते हैं। ABC News, हेमंत गुप्ता, झांसी।